अमीन हफीज अब आगे हैं सरगोधा के नवाही इलाका पुल 11 में। हाय हाय हाय, ये देखे आपको जो इतने बुलंदो बाला पहाड़ नजर आ रहे हैं, ये पहाड़ नहीं रहे तकरीबन सतह, ये जो आपको ऊपर जगह नजर आ रही है ये सतह जमीन है। सतह जमीन से तकरीबन 1000 फुट सरगोधा में ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे, उन पहाड़ों में सुराख करके आतशगीर मादा उसमें डाल के ब्लास्ट करके पहाड़ों को फीती फीती करके फिर उसमें से पत्थर निकाल के फिर उन पत्थरों को ऊपर ले जाके वहाँ पर बजरी बनाई जाती है और फिर बजरी पूरे पाकिस्तान में जाती है। कहा जाता है कि सरगोधा की पुल 11 ये जो एरिया है ये एशिया की पत्थर काटने और उससे बजरी बनाने का सबसे बड़ा इलाका है। इस वक्त सतह जमीन से ऊपर 1000 फुट तक पहाड़ काट दिए हैं और सतह जमीन से नीचे आप देख सकते हैं, आप दिखाएं ताहिर साहब, सतह जमीन से 400 फुट गहराई में भी ये आके पत्थर को मुसलसल काट रहे हैं। तरीकाकार वही है, सुराख करके उसमें आतशगीर बाता डाल के ब्लास्ट किया जाता है और फिर ये बड़ी बड़ी क्रेनों से वो पत्थर काट के उसको ट्रालियों में डाल के ऊपर ले जाया जाता है जहाँ पर क्रशिंग मशीन है, यानी स्टोन क्रशिंग मशीन है जिसके जरिए इन पत्थरों को बजरी बनाई जाती है और रेत नुमा बड़ी सी चीज भी बनाई जाती है जो सड़क बनाते वक्त पत्थरों के ऊपर डाल के उसको हमवार किया जाता है। ये है सरगोधा का नवाही इलाका पुल 11 की सबसे बड़ी पत्थर मार्किट। अब अमीन हफीज आ गए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा में। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा पूरे पंजाब की यूनिवर्सिटियों में से टॉप एक यूनिवर्सिटी है। इस अजीम दरसगाह में जो मेन कैंपस है वो तकरीबन 75 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल है। यहाँ मेन कैंपस के तकरीबन 25,000 से जायद तलबा और तालबात यहाँ जेर तलीम है। 210 पूरे पंजाब के कॉलेजेस इस यूनिवर्सिटी के साथ इलाहाक शुदा है। अगर ये सब कुछ मिला लिया जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के मजमूई तालब इल्मों की तादाद तकरीबन 50,000 से जायद हो जाती है। इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास हमारे दरमियान मौजूद है। हम प्रोफेसर साहब से पूछते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का जो सूबे की, ज़िले की और पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में क्या किरदार है। जी प्रोफेसर साहब, हाँ बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप माशाल्लाह हमारे सरगोधा शहर जो शहीनों का शहर है उस पर अपना माशाल्लाह एक प्रोग्राम कर रहे हैं और फिर हमारी यूनिवर्सिटी में आप तशरीफ़ लाएँ सर। तो ये यूनिवर्सिटी सरगोधा की तरक्की में बड़ा अहम किरदार रखती है। गुड। और ये इदारा कोई नया इदारा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊँ तो ये इदारा 1929 से काम कर रहा है। तकरीबन 6 साल बाद ये 100 साल की यूनिवर्सिटी हो जाएगी। ये एक तारीखी दरसगाह है। तारीखी दरसगाह, 100 साल हो जाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा को बने हुए, यानी कि मुख्तलिफ मराहिल से होती हुई कॉलेज थी, यूनिवर्सिटी बनी। 1929 में इसका नाम डी मॉन्टमोरेंसी कॉलेज था और पहला जो प्रिंसिपल था इसका गोरा था, गोरा ब्रिटिश। उसके बाद उस वक्त आपको पता है कि ये जो बड़े लोग होते थे टिवाने और बड़ी बड़ी कास्ट के लोग, वो भी बड़े इंटरेस्ट लेते थे एजुकेशन में। अच्छा। तो टिवाना भी एक प्रिंसिपल इस कॉलेज के रहे हैं। अच्छा प्रोफेसर, ये बताइएगा, आप वाइस चांसलर है इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा में, हमारी जो फैकल्टी है और तालिब इल्मों की तादाद ये कैसी है, क्या आप कहेंगे? माशाल्लाह, अगर इस वक्त अगर यूनिवर्सिटी की ओवरऑल स्टूडेंट स्ट्रेंथ देखें तो 25,000 के करीब हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। और 2,500 हमारे पास फैकल्टी एंड स्टाफ है। अच्छा। अच्छी बात यह है कि सरगोधा जैसे शहर में यहाँ पे हमारे पास 400 के करीब पीएचडी फैकल्टी मेंबर्स हैं। फैकल्टी में 400 से ज्यादा, और माशाल्लाह 60 के करीब प्रोफेसर हैं जी, 80 एसोसिएट प्रोफेसर हैं,
मैं समझता हूँ जो फैकल्टी होती है ये यूनिवर्सिटीज की बैकबोन यानी का काम करती है। बिल्कुल, अगर अच्छी फैकल्टी होगी, ट्रेंड फैकल्टी होगी, तो यूनिवर्सिटी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करती है और वो फिर इलाके की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। मैं समझता हूँ हुकूमत को और यूनिवर्सिटीज को हमें इस तरफ आना चाहिए कि प्रोफेसर्स शुड थिंक अबाउट एंड दे शुड कम अप विद न्यू आइडियाज, नए आइडियाज के साथ आएँ, इनोवेशंस करें, हम स्टार्टअप्स बनाएं, टेक्नोलॉजी पार्क बनाएं। अभी इस वक्त पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी पार्क है नस्फ में, और इंशाल्लाह दूसरा हम बनाने जा रहे हैं बाई नेक्स्ट ईयर जून 2025 सरगोधा यूनिवर्सिटी में दूसरा टेक्नोलॉजी पार्क इंशाल्लाह बन जाएगा। अच्छा डॉक्टर कैसर साहब, ये बताइएगा कि हमारे यहाँ मतलब तालब इलम बी एस कर लेते हैं, एम फिल कर लेते हैं, वो ये पूछते हैं कि हमें नौकरी कहाँ मिलेगी, हमारा फ्यूचर क्या है, ये ज़रा बताएं कि बच्चे यहाँ तक पहुँच के भी ये क्यों सोचते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही। बिल्कुल सही, या नहीं मिलेगी, हमारा फ्यूचर क्या है, रिश्ता तो पता नहीं मिलता है, वो तो एक अलग बात, वो भी मिल जाएगा। अच्छा वो भी मिल जाता है, मिल जाता तो, लेकिन अगर रोज़गार ही ना मिला तो देखिए, उसके लिए हमने यहाँ पे यूनिवर्सिटी में मैंने जो काम किया है ना, और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज कर रही हैं, और मेरे ख्याल में इस पर हमें फोकस करना चाहिए सर। हमें बच्चों को तालीम के साथ साथ कुछ स्किल डेवलपमेंट का काम भी कराने चाहिए। जैसे आप दुनिया में आप देखें, ऑनलाइन जो बिजनेस है, ऑनलाइन जो जॉब्स हैं बहुत ज़्यादा हैं। आपको पता है कोविड का एक फ़ायदा जो सबसे अच्छा फ़ायदा हुआ है, जो $5,000 अमेरिकन कंपनी यूएस में काम कराती थी, वो $100 दे के आप काम करवा रही है, और वो हमारे बच्चों को अवेलेबल है। तो मैंने ये अपना इस साल 2024 से हमने ये अहद किया है कि हम हर बच्चे को सर 3 से 4 महीने का ऐसा कोर्स कराएंगे कि वो उसको 1 साल के बाद पेरेंट्स से फीस लेनी नहीं पड़ेगी, वो सेल्फ सस्टेन हो जाएगा। अच्छा। जब 3 साल वो कमा लेगा तो मेरे ख्याल में 4 साल जब ग्रेजुएट करेगा हाँ। तो वो अपनी कंपनीज बनाने के काबिल हो जाएगा। कोई तजवीज आप देना चाहे हुकूमत को जिससे हमारे बच्चों के लिए और आसानियां पैदा हो? गवर्नमेंट के लिए ये है कि मेरे ख्याल में अभी तक इनोवेशन से रिलेटेड, कमर्शलाइजेशन से रिलेटेड, क्योंकि यूनिवर्सिटीज जैसे मैंने कहा कि प्लेस ऑफ इनोवेशन है, तो यूनिवर्सिटीज को इनकरेज करना चाहिए कि इनोवेशन करें सर, और अपने जो उनके आइडियाज़ हैं उनको कमर्शलाइज करें। अभी तक कमर्शलाइज करने के लिए कोई ऐसा कानून साजी नहीं है, बहुत कम है, तो यूनिवर्सिटीज़ को अपना बिजनेसेस, अपनी कंपनीज बनाने की इजाज़त देनी चाहिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे यूनिवर्सिटीज़ ग्रो नहीं करेंगी। तो यूनिवर्सिटीज़ को टीचिंग के साथ साथ इनोवेशन और कमर्शलाइजेशन की इजाज़त देनी चाहिए, तभी आप आगे जा सकते हैं, अदरवाइज़ फिर यही पुरानी टेक्नोलॉजी, पुराने आइडियाज वही लेके चलते रहेंगे, इससे कोई इकोनॉमी में बेहतर रोल प्ले नहीं हो सकता। अब मैं जदीद सरगोधा में आ चुका हूँ, आप देख रहे हैं ये रोड जहाँ मैं मौजूद हूँ, इसको यूनिवर्सिटी रोड कहते हैं। ओए 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 ओए, इतने प्यारे यहाँ पर बड़े बड़े मॉल हैं और हर ब्रांड की यहाँ पर शॉप मौजूद है। आप सरगोधा आए और यूनिवर्सिटी रोड पर अगर आपने शॉपिंग नहीं की तो आपने कुछ भी नहीं किया। सरगोधा के यूनिवर्सिटी रोड की शॉपिंग और उसके मॉल और उसके मुख्तलिफ ब्रांड आपको अपनी तरफ खींचते हैं।